बहुत से लोगों को गुस्ल जनाबत और नहाने का यानी आम तौर पे जो हम बात लेते हैं उसका फर्क ही नहीं पता। तो जो डेली आप शावर लेते हैं या बात लेते हैं दैट इज डिफरेंट, लेकिन जब आप पाक होने के लिए नहाते हैं तो वो मुख्तलिफ है। रोज आप नहाना भी अगर सुन्नत के मुताबिक करें तो बहुत अच्छा है, वो नहाना भी सवाब बन गया, वो सारी एफर्ट किसी काम लग गई क्योंकि आप सुन्नत के मुताबिक एक काम करें। लेकिन गुस्ल जनाबत तो होता ही नहीं जब तक कि आप कुल्ली ना करें, नाक में पानी ना डालें और सारे बदन पे पानी ना बहाएं। गुस्ल जनाबत का तरीका, हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोए। ये गुस्ल जनाबत यानी नापाक जब इंसान हो जाए तो उसके बाद पाक होने के लिए जो गुसल करना है उसका तरीका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने हाथ धोए। हाथ क्यों धोए? क्योंकि बाकी काम सब हाथों से ही करता है इंसान, तो अगर सफाई करने वाले टूल साफ नहीं तो सफाई कहाँ होगी। फिर शर्मगाह को धोया यानी इस्तंजा किया। फिर बायां हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था यानी इस्तंजा किया था जमीन पर रगड़ा, फिर उसको धोया। जमीन पे क्यों रगड़ा? इसलिए कि उस जमाने में साबुन इस तरह अवेलेबल नहीं होता था, तो मट्टी पाक करने वाली होती है, मट्टी के अंदर ऐसी सलाहियत होती है जो जर्म्स को किल कर देती। तो अगर आज आपके पास साबुन है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप मट्टी पर ही हाथ रगड़ें। कि अब आप परेशान हो कि हमारे वॉशरूम में तो टाइल्स लगी हुई है और मट्टी नहीं है तो क्या हमारा गुसल नहीं होगा, तो उसका ऑल्टरनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कोहनियों तक हाथ धोए, फिर सर पे पानी डाला और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाया। यानी सिर्फ पानी डाला ही नहीं बल्कि मल के सर को, बालों के जड़ यानी जहां से बाल उगते हैं उस सारे हिस्से को खूब तर किया। तीन बार सर पर पानी डाला, फिर तमाम बदन पर पानी डाला। यानी पहले सर पे तीन बार डाल के उसको सारा धो डाला, फिर पूरे जिस्म पर पानी डाला, फिर जहां आपने गुस्ल किया था उस जगह से हटकर पांव धोए। तो इसका मतलब है कि बाकी वजू आपने शुरू में कर लिया और पांव धोने का अमल बिल्कुल आखिर में किया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत में वजू का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि आपने सर का मसा नहीं किया बल्कि उस पर पानी डाला।